नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संडे कमेंट बॉक्स। आप लोग हमें बहुत सारे कमेंट करते हैं और उन कमेंट्स में से कुछ कमेंट जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं उनको हम यहाँ छांटते हैं और उनके जवाब देते हैं अपने संडे कमेंट बॉक्स में। तो इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे ऐसे ही कमेंट। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट किया है अमरदीप सिंह ने और इन्होंने पूछा है, सर नेट एजुकेशन से कर सकते हैं क्या एमएड के बाद, पर पीजी में एजुकेशन सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। तो अमरदीप सिंह जी, यदि आपने एमएड कर लिया है तो आप एमएड विषय के आधार पर एजुकेशन विषय से नेट कर सकते हैं। मैंने भी एमएड विषय के आधार पर एजुकेशन विषय से नेट किया है और उसके बाद में मैंने एमकॉम किया है। अगला कमेंट किया है प्रदीप कुमार ने और इन्होंने पूछा है, सर नेट के लिए एमएससी करें या एमएड करें, क्या करें? तो देखिए, ये निर्भर करता है आप पर कि आप नेट के लिए एमएससी करते हैं या एमएड करते हैं। यदि आपकी पकड़ आपके एमएससी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है तो जिस विषय से आप एमएससी कर रहे हैं आप उस विषय से नेट कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि आपकी पकड़ एमएससी में कमज़ोर है और एजुकेशन विषय पर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप एजुकेशन विषय से एमएड करने के बाद में नेट कर सकते हैं। दोनों का ही अच्छा स्कोप है। अगला कमेंट किया है पवन मेहता ने और इन्होंने पूछा है, सर मैं अभी बीएड कर रहा हूँ और पीजी नहीं किया हूँ, डायरेक्ट बीएड के बाद एमएड कर सकता हूँ? तो यदि आप बीएड कर रहे हैं और उसके बाद एमएड करना चाहते हैं तो आप एमएड कर सकते हैं। एमएड करने के लिए आपको पीजी की ज़रूरत नहीं होती है, आप एमएड करने के बाद भी पीजी कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है अनूप द्विवेदी ने और इन्होंने पूछा है, सर मैंने इंग्लिश से एमए किया है, मैंने बीएड किया है, मेरी एज 30 साल है, क्या इस साल एमएड कर लूँ? एमएड करने के बाद जॉब के चांस क्या हैं? तो अनूप जी, यदि आपने एमए इंग्लिश से किया है और आपके एमए में 55% से अधिक अंक हैं और आपकी इंग्लिश विषय पर बहुत अच्छी पकड़ है तो आप इंग्लिश विषय से नेट कर लीजिए। इंग्लिश विषय से नेट करने के बाद बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश विषय से नेट कर पाते हैं। और यदि आप एमएड करना चाहते हैं तो आप एमएड कर सकते हैं। एमएड करने के बाद आप नेट कर लीजिए एजुकेशन विषय से, और आपका पीजी है ही तो आप यहाँ पर बीटीसी कॉलेज, बीएड कॉलेज, इसके अलावा इंटर कॉलेज में टीजीटी पीजीटी होता है तो वहाँ आपको इसका एमएड का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपके पास यदि 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप प्रिंसिपल भर्ती के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है सामिया सलीम ने और इन्होंने पूछा है, सर एमएड की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? ये कमेंट इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के एमएड के विषय में पूछा है। तो यहाँ पर एमएड की जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। अगला कमेंट किया है प्याली ने और इन्होंने पूछा है, सर बीए और एमए में कितना परसेंटेज चाहिए होगा, प्लीज़ मेंशन। तो इन्होंने ये कमेंट एमएड के बारे में पूछा है। तो एमएड करने के लिए आपके बीए या एमए के अंक नहीं देखे जाते हैं, आपने बीएड या उसके समकक्ष जो योग्यता प्राप्त की उसमें आपके कितने प्रतिशत अंक हैं उसके आधार पर आपका एमएड में एडमिशन होता। अगला कमेंट किया है प्रीति नागर ने और इन्होंने पूछा है, सर एमएड काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? तो देखिए, आपने जब आवेदन किया होगा तो उसमें जानकारी भरी होगी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और उसके बाद में बीएड और उसके बाद में और कोई कोर्स, तो जिन जिन सब्जेक्ट के बारे में आपने यहाँ जानकारी भरी है उन सभी की आपको अपनी मार्कशीट लेकर जानी है। उसके अलावा यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है, साथ ही साथ आपको लेकर जाना है स्थायी निवास का प्रमाण पत्र और आपको अपना एक पहचान पत्र भी लेकर जाना है। आपको कम से कम 3-4 फ़ोटो की भी व्यवस्था कर लीजिए, वहाँ आपको फ़ोटो भी लेकर जाने होंगे और बाकी डिटेल जो आपका काउंसलिंग लेटर आएगा उसमें दी हुई होगी उसको एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके अनुसार अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। अगला कमेंट किया है सोनू कुमार ने और इन्होंने पूछा है, सर एमएड के बाद कितने क्लास तक टीचिंग कर सकते हैं? तो देखिए, यदि आपने एमएड किया है तो एमएड से पहले आपने हो सकता है बीएड किया होगा तो बीएड के आधार पर आप कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के टीचर बन सकते हैं। और उसके बाद यदि आपका एमएड पूरा हो जाता है
तो आप BTC कॉलेज में टीचिंग करने के लिए योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आप नेट कर लेते हैं और PG कर लेते हैं तो आप BTC कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप डायरेक्ट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे MBED करने के बेनिफिट हैं। यदि आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ये थे इस हफ्ते के कमेंट, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। यदि आपको भी किसी विषय में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उस बारे में जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।